ओके तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के ऐसे टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो दोस्तों इस टाइम आपको 35,000 रुपए से भी कम की प्राइस रेंज में देखने को मिल रहे हैं। तो देखते रहिए दोस्तों आज की वीडियो को। अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन ले रहे हैं 30,000 से 35,000 की रेंज के अंदर, तो आज की वीडियो आपके काफी काम आने वाली है। तो लिस्ट की दोस्तों फटाफट शुरुआत करें तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन जो कि फ्लैगशिप कैटेगरी से आता है वो है OnePlus की ब्रांडिंग के साथ OnePlus Note 3। अब ये फोन दोस्तों वैसे काफी कमाल के स्पेसिफिकेशन देता है, ऑफ कोर्स फ्लैगशिप कैटेगरी से आता है तो अच्छा तो देगा ही। प्राइस से शुरुआत करते हैं दोस्तों, स्मार्टफोन की कंफ्यूजिंग प्राइस रेंज है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला प्राइस 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का बेस वेरिएंट जो है उसकी प्राइस है 33,998 रुपये फ्लिपकार्ट के ऊपर। सेकंड वेरिएंट आपका देखने को मिलता है 16GB रैम और 256GB स्टोरेज जिसकी प्राइस है 35,989 रुपये। ये दोस्तों प्राइस रेंज फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलती है, लेकिन 16GB रैम और 256GB स्टोरेज स्मार्टफोन ही आपको क्रोमा पे 37,999 का मिल रहा है। जहाँ वेबसाइट पे आपको सस्ता उस टाइम मिल रहा है जब आप ले रहे हैं, एक बार वहाँ पर चेक जरूर कर सकते हैं। 2-3 वेबसाइट पे कंपेयर करके देखिएगा, जहाँ सस्ते मिल रहा है वहाँ से ले सकते हैं। Amazon, क्रोमा या फिर Flipkart ये वेरीफाइड वेबसाइट है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों जुलाई 2023 को ये इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था और इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट मिल जाता है, जबरदस्त स्पेसिफिकेशन वाला। वहीं दोस्तों इसमें 6.7 इंच के एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz रिफ्रेश रेट HDR10+ के सपोर्ट के साथ। साथ ही दोस्तों बैक में कैमरे के 3 सेंसर हैं, 50 का मेन सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 का माइक्रो लेंस भी मिल जाता है। तो फ्रंट में दोस्तों इस स्मार्टफोन में 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों इसमें 5000mAh की बैटरी है, 80V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, डॉल्बी साउंड क्वालिटी भी देखने को मिलती है। स्टोरेज को एक्सपेंड इसके अंदर नहीं करा जा सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे इस चीज़ के तो मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं। तो ये दोस्तों हमारे लिस्ट का पहला फर्स्ट स्मार्टफोन है फ्लैगशिप कैटेगरी का OnePlus Note 3, जो कि आपको 35,000 से कम की प्राइस रेंज में ये कमाल के स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। आप बात करते हैं दोस्तों लिस्ट के सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की, वो नया लॉन्च हुआ है तो आप उसको एक बार सुन लीजिएगा क्योंकि स्मार्टफोन जबरदस्त है। तो सेकंड स्मार्टफोन दोस्तों हमारा है Honor 90। अब दोस्तों मैंने जैसा कि कहा था नया नेविला लॉन्च है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि Honor तो पहले से है। नहीं दोस्तों, जब री लॉन्च हुआ है दोबारा से, जब इसके माधव सेठ अब CEO बन चुके हैं तो ये री लॉन्च हुई है कंपनी और इसका पहला स्मार्टफोन है Honor 90। फोन जबरदस्त है, स्पेसिफिकेशन कमाल के हैं, प्राइस भी ठीक है। चलिए प्राइस से शुरुआत करें इस स्मार्टफोन की, तो वो दोस्तों है 34,999 रुपये, जिसमें आपको 8GB रैम और 256GB स्टोरेज देखने को मिलता है। सेकंड वेरिएंट 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, उसकी प्राइस 36,999 है। चाहे तो उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप 35,000 से नीचे ही टिक सकते हैं। स्पेसिफिकेशन आए तो दोस्तों वो जबरदस्त है स्मार्टफोन की, इसलिए ये लिस्ट के अंदर भी है क्योंकि नया लॉन्च हुआ है। वैसे लेते नहीं है नए फोन को ज़्यादातर, लेकिन ये फोन नया जरूर है, लेकिन इसके जो स्पेसिफिकेशन प्राइस सब कुछ है वो जबरदस्त है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon का 7th Generation 1 चिपसेट, जो कि काफी कमाल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो स्मार्टफोन में देखने को मिलता है 6.7 इंच की एक AMOLED पैनल डिस्प्ले जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट HDR10+ के सपोर्ट के साथ आती है और इसके अंदर पीक ब्राइटनेस 1600 nits का देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन में बैक में कैमरे के 3 सेंसर हैं, जिसमें मेन दोस्तों है 200MP का 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट में 50MP की सेल्फी दी गई है इंक्लूडिंग अल्ट्रा वाइड लेंस। तो कैमरे पे काफ़ी फोकस करा गया है इस Honor 90 के अंदर, तो इसलिए इस लिस्ट में भी है। जी हाँ, वहीं दोस्तों स्मार्टफोन में एक 5000mAh की बैटरी है, 66V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, तो उसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। इसका डिजाइन, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है, आप स्मार्टफोन को इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप टॉप 3 फोन ले रहे हैं, देख रहे हैं 35,000 या फिर 30,000 के बीच में, इस फोन को इग्नोर नहीं करा जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों लिस्ट के अब तीसरे नंबर के बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरफ। तो लिस्ट का आखिरी स्मार्टफोन दोस्तों हमारा आता है ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ, ओप्पो रेनो 10। अब वो तो तीसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन है उसके लिए मेरे अंदर ही काफ़ी डिबेट हुई थी ओप्पो रेनो 10 और या फिर वीवो V29 के लिए, लेकिन पहले मैंने दोनों को कंपेयर करा है खुद से और फिर दोस्तों रेनो 10 को इस लिस्ट के अंदर लिया है। तो अगर आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से, तो सोचिए मैंने कितना कन्फ्यूज हुआ हूँ इस लिस्ट में लेने के लिए। तो इसलिए दोनों में से विनर ऑफकोर्स रेनो 10, तो
इस लिस्ट में तो हो ही चुका है, लेकिन वो चौथे नंबर पे जरूर है। याद रहे, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो रेनो 10 की तरफ दोस्तों आते हैं, स्मार्टफोन की प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो प्राइस दोस्तों इसकी देखने को मिलती है 30,990 रुपए, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ अमेजोन के ऊपर। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन आए तो दोस्तों जुलाई 2023 को ये इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था, और इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 चिपसेट मिल जाता है। ये फ्लैगशिप ग्रेड वाली गेमिंग आपको प्रोवाइड कराता है। उसी के साथ दोस्तों इसमें 6.7 इंच का एक एमोलेड पैनल डिस्प्ले है, जो कि दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR 10 प्लस दोनों ही दे देता है। साथ ही दोस्तों बैक में कैमरे के देखने को मिलते हैं 3 सेंसर, मेन 50 का है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाता है, जो कि वीवो स्मार्टफोन में नहीं है, वो आपको टेलीफोटो लेंसेज ओप्पो रेनो 10 में देखने को मिलता है। ये एक काफ़ी बड़ा मेजर फर्क है दोनों फोन के अंदर। अगर आप कैमरे में देख रहे हैं तो ओप्पो रेनो क्लियर विनर है, इसलिए दोस्तों इस लिस्ट में भी है। वहीं दोस्तों फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल की इसके अंदर सेल्फी मिल जाती है, लेकिन सेल्फी अगर कैमरे की बात करूँ ना तो वीवो का फोन शायद विनर होगा, लेकिन ओवरऑल नहीं। ओवरऑल अगर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को ले रहे हैं तो ये रेनो 10 अच्छा फोटोग्राफी स्मार्टफोन भी है। वहीं इसमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 67V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, वीवो में 80V था, याद रहे। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये ओप्पो रेनो बेस्ट है उस फोन से अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं। कुछ फीचर्स को देखेंगे तो शायद वीवो आपको पसंद आ सकता है, जैसे कि 80V देखने को मिल जाता है उस फोन में, सेल्फी अच्छी है, लेकिन ये ओवरऑल बेस्ट है रेनो 10। तो 67V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 1TB स्टोरेज एक्सपेंडेबल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो ये दोस्तों हमारी लिस्ट का है टॉप 3 का, यानी कि तीसरे नंबर का बेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 10, जो कि 30,000 से 35,000 की रेंज में तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन आता है। तो तीनों स्मार्टफोन दोस्तों लिस्ट के बेस्ट हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तो आपको जरूर हो रही होगी कौन सा लिया जाए, क्योंकि तीनों ही मेरे हिसाब से तो तीनों ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं कौन सा लेता, क्योंकि जब ही समझ में आएगा आपको कि बेस्ट कौन सा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट OnePlus Nord 3 ही है। जाइए फ्लिपकार्ट के ऊपर, फिलहाल सस्ते में भी शायद वो मिल रहा है, तो जाके उस स्मार्टफोन को परचेज करिए। उसके लेने के कई रीजन जरूर हो सकते हैं, क्योंकि Honor 90 जो फोन है वो जबरदस्त है, लेकिन ओप्पो रेनो 10 भी किसी मामले में कम नहीं है। लेकिन OnePlus को मैं किस लिए कंसिडर कर रहा हूँ, वजह इसलिए क्योंकि दोस्तों ब्रांडिंग, OnePlus की जो ब्रांडिंग है भरोसे लायक है। कोई भी दिक्कत होती है आपके स्मार्टफोन में तो मान लीजिए आप रेनो या मान लीजिए ओप्पो और ऑनर को लेके कहाँ घूमते रहेंगे, क्योंकि कम से कम आपको वहाँ उनकी सुविधा मिलेगी। लेकिन OnePlus का जो फ़ोन है वो पॉपुलर ब्रांडिंग है, फ्लैगशिप ग्रेड वाली है, आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं उस स्मार्टफोन के लिए, छोटी छोटी दुकानों पे भी आपको स्मार्टफोन के पार्ट मिल जाते हैं, कोई दिक्कत होती है तो वैसे दूर की बात है, लेकिन छोटी छोटी बात भी उसमें देखी जाती है, जैसे कि सिक्योरिटी पैच वगैरह, अपडेट वगैरह, वो OnePlus का फ़ोन ज़्यादा अच्छे देता है। इन चीज़ों को सोच के आप स्मार्टफोन को ले सकते हैं। वैसे ओवरऑल एक बेस्ट फोन भी OnePlus Nord 3 ही है मेरी लिस्ट के अंदर, लेकिन आप कौन सा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं इस लिस्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपका स्मार्टफोन है भी इसमें, या फिर आप किसी और फोन की देख रहे हैं, यानी कि सैमसंग इसमें नहीं है, लेकिन सैमसंग का फोन है जरूर 30,000 से 35,000 की रेंज में, लेकिन क्या आप उसको ले रहे हैं या फिर किसी और ब्रांडिंग के साथ, एक बार कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट तो जरूर करें। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, स्मार्टफोन कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, इस बार कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसी वीडियो और देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप किसी और कैटेगरी में स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपके लिए आपकी पसंद की काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कन्फ्यूज हो रहे हैं किसी भी रेंज के अंदर तो आप वहाँ उस लिए भी देख सकते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी और आपका मनपसंद स्मार्टफोन आप ले सकेंगे इस साल के अंदर, या फिर अगले साल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी। सो दोस्तों बस मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।